नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और आप मेरे को देख रहे हैं धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, 4 नवंबर से शनिदेव जो है मार्गी होने जा रहे हैं। जी हां, लंबे समय से शनिदेव वक्री गति से चल रहे थे, काफ़ी कुछ परेशानियां काफ़ी राशियों को हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि शनिदेव जब अपनी मार्गी चाल चलते हैं तो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, शुभ फलों में तेज़ी से वृद्धि होती है। शनिदेव की किन किन भावों पर दृष्टि पड़ने जा रही है, या आपकी राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं कुंभ राशि पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और साथ ही साथ शनि की जो बृहस्पति पर दृष्टि है ये कितना शुभ आपके लिए रहेगी, और मार्गी शनि कितना कुछ 12 राशि को देखकर बताएंगे, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो हमारे ये एपिसोड बिल्कुल देखिए, शनिदेव का मार्गी चाल होना। मार्गी शनि की भविष्यवाणी। वक्री शनि अब 8 महीनों तक रहेंगे मार्गी। शनि की सीधी चाल का भविष्य फल, रोग ऋण शत्रु का प्रभाव, शनि की सीधी चाल से करेंगे कितनी तरक्की, मार्गी शनि से होगा कितना धन लाभ, शनि की सीधी चाल से क्या क्या मिलेगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपकी बार शनि की मार्गी चाल आपको क्या कुछ देकर जाएगी 2024 तक, आपको बता दूं कि 4 नवंबर से शनि महाराज अपने घर में अपनी चाल में परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब तक वक्री हो रखे थे लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे और 30 जून तक रहेंगे, तो एक लंबा समय है, यानी कि 2024 30 जून तक शनि मार्गी ही रहेंगे। तो शनि के मार्गी शनि के ये 8 महीने खासकर आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वृषभ लगन वाले लोगों के लिए कैसे रहेगी, और शनि की दृष्टि जब आपके लगन पे, आपके कर्म भाव पे, आपके रिश्तों पर पड़ेगी तो आपको क्या कुछ देकर जाएगी, आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी शनि की दृष्टि इनके किस भाव में पड़ रही है और मार्गी शनि इनके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, शनि जो है ना, एक तो नैसर्गिक स्वभाव लेके काम करता है कि शनिदेव की जिस भाव पे दृष्टि है, जिस भाव पे बैठा है जी, तो उन भावों को विशेष प्रभावित करेगा। दशम भाव पे बैठा है तो दशम स्थान को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा, मार्गी या वक्री होके। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि मानी जाती है, तीसरी, सातवीं और दसवीं जी, यानी कि टोटल 3 दृष्टि शनि की और जहाँ बैठा है, यानी कि शनि 4 भावों को एक समय प्रभावित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि शनि की ढैया या शनि की 7.5 आती है तो कुंडली के 4 भाव पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, तो उससे दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है जी। वृषभ राशि वालों के दशम भाव में वक्री थे या मार्गी हो जाएंगे, तो दशम भाव से तीसरी दृष्टि खर्च पर डालेंगे, सातवीं दृष्टि सुख साधनों पर डालेंगे, पारिवारिक जीवन पर डालेंगे, माता के स्वास्थ्य को डालेंगे, माता के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे इस पर डालेंगे, और दशम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पार्टनरशिप पे डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये भाग हैं, इन भावों पे शनि दृष्टि डाल रहे हैं और स्वराशि के मूल त्रिकोण में दशम भाव में बैठे हैं जी। तो कैसा फल देंगे ये आपकी अब राशि पर मार्गी चाल चल के, कितना लाभ अब आपको मिलेगा, ये जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार आपने बताया कि मार्गी शनि सबसे पहले इनके रिश्तों पर, यानी कि जो इनके माता पिता से जो रिश्ते हैं या पारिवारिक रिश्ते, उस पर दृष्टि डालेंगे, तो सबसे पहले रिश्तों से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है रिश्तों के मामले में मार्गी शनि इनके लिए परेशानियां लेकर आ रहे हैं या फिर कहीं कुछ राहत देंगे। देखिए, मार्गी शनि काफी राहत भरी खबर लेके इनके लिए आ रहे हैं, खासकर इनके माता जी के स्वास्थ्य के जी। अगर आपके माता जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उनका स्वास्थ्य में बेहतरी आएगी, रिश्तों में मधुरता आएगी, आपके घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, कोई मांगलिक कार्यों का आयोजन भी आने वाले 8 महीनों में हो सकता है जी। और कहीं ना कहीं अच्छा खासा आपके सुख समृद्धि में वृद्धि हो रही है। चतुर्भाव वाहन का भी होता है, सुख का भी होता है जी। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, घर में गाड़ी आ सकती है, बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी देते हैं शनिदेव जब चतुर्भाव को देखें, नया घर भी दे सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं शिफ्ट होने की, तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, और मान सम्मान की ख्याति की वृद्धि भी होगी। तो कुल मिलाकर शनि की जो दृष्टि है रिश्ते भाव पर, तो काफी अच्छा संकेत देती हुई नजर आती है। चलिए, ये तो बताया आपने इनके रिश्तों को लेकर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कर्म भाव पे भी शनि की दृष्टि इस बार मार्गी होके पड़ेगी, क्या लगता है काम कारोबार व्यापारी वर्ग के लिए, नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए काम धंधा ऊपर कैसा चलेगा 8 महीनों तक। देखिए, काम कारोबार के लिए दृष्टि कविता जी बहुत अच्छी है। कहते हैं कि शनिदेव दशम भाव में जब मार्गी हो जाते हैं तो आपके कर्म को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं और सीधे तरीके से बढ़िया चीज चलेगी। अब तक बिजनेस में रुकावट थी, नौकरी में कोई परेशानी आ रही थी पिछले कुछ महीनों से, कोई भी दिक्कतें आ रही थी वो सब समाप्त हो जाएंगी, नई नौकरी का योग बनेगा,
और आप इस समय नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, ये भी अच्छा है, शनिदेव के चलते अच्छा होगा। बिजनेस एक्सपेंड करना है तो भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ये आपके प्रमोशन के योग बना रहे हैं, काम कारोबार में अच्छी वृद्धि करेंगे और उत्तम भाग्य वृद्धि के संकेत भी दे रहे हैं शनिदेव यहाँ बैठकर। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको विशेष लाभ इसमें मिल सकता है, या जो सरकारी नौकरी में है उनको भी कहना चाहिए उनकी पदोन्नति होने के योग शनिदेव बना रहे हैं। अपने काम में कुछ परिवर्तन अगर ये लोग सोच रहे हैं करने के लिए, क्योंकि शनि मार्गी शनि के 8 महीनों में देखिए अगर कुछ परिवर्तन करने की सोचते हैं अपने काम में, क्या लगता है? सही है, बहुत परफेक्ट टाइम रहेगा, बिल्कुल कर सकते हैं, इनका समय काफ़ी अच्छा रहेगा जी। और अगर आपको शुभ दशा भी चल रही है तो निश्चित रूप से अब बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। देखो जैसे कि मैंने आपने बताया कि शनि की दृष्टि इनके खर्च भाव पे भी पड़ रही है, तो खर्चे यहाँ पे शनि इनके बढ़ाने वाले हैं या एकदम से कम कर देंगे? देखिए खर्च भाव पे शनि की दृष्टि, तो खर्च बढ़ेगा। अब घर में वाहन आएगा, घर लेंगे तो ऑब्वियसली खर्च बढ़ेगा, EMIs बढ़ेंगी। आप कुछ गैजेट्स भी ले सकते हैं या घरेलू उपकरण भी ले सकते हैं, फ्रिज ले सकते हैं, कुछ और सामान ले सकते हैं, तो खर्च तो बढ़ेगा लेकिन धन हानि वाला खर्च नहीं है, नुकसान वाला खर्च नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीमारी में पैसा जाएगा, तो ये आपके लिए अच्छा संकेत है। खर्च होगा वो शुभ कार्यों में खर्च होगा, हो सकता है कि इस समय आने वाले समय में आपके संतान की सगाई हो, भाई बहन की शादी हो या संतान की शादी हो आने वाले 8 महीनों में, तो ये सब खर्च बढ़ेंगे लेकिन वो एक पॉजिटिव चीज़ रहने वाली है, नुकसान वाला खर्च नहीं। तो धनार्जन होगा लेकिन सेविंग्स थोड़ी कम हो पाएगी? देखिए इस समय सेविंग थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी शनिदेव की दृष्टि धन भाव पर नहीं है और ना ही दृष्टि जो है आपके लाभ भाव पर है, तो पैसा तो आएगा लेकिन वो खर्च भी अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे रहा है इन 8 महीनों में। अब जो कि इन पे भी शनि की ना ही ढहिया है ना साढ़े साथी है, 2024 तक अगर हम देखें तो क्या लगता है मयंक जी अब आगे कैसा रहेगा इनके लिए मार्गी शनि? देखिए मार्गी शनि इनके लिए काफ़ी परफेक्ट है, बस एक मामले में थोड़ा सा ये नेगेटिव है, शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपकी वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। आपको इस समय पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो तालमेल बिठा के चलना चाहिए, वरना दिक्कत आएगी। और पार्टनर पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें, कोई नई पार्टनरशिप करनी है तो सोच समझ कर करें। दूसरा, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रखें और किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना करें और उनकी सेहत का भी ध्यान रखें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दशम स्थ शनि कहते हैं कि विवाह में देरी कराता है, अगर कहीं रिश्ते की आपकी बात अभी चल रही है क्योंकि गुरु भी 12वें भाव में बैठे हैं, तो विवाह में देरी संभव है, या रिश्ता होके टूट जाना, अनहोनी होना, इस तरह की दिक्कतें, या डिले हो जाना, या विवाह में किसी भी वजह से देरी हो जाना, ये थोड़ा संभव है। तो गृहस्थ जीवन तो अच्छा रखेंगे जो लोग मैरिड हैं, लेकिन जो अविवाहित हैं उनके वैवाहिक सुख में थोड़ी सी कमी करेंगे या शादी में देरी करते हैं। शनि का स्वभाव है जहाँ शत्रु भाव से दृष्टि डालते हैं वहाँ परेशानी पैदा करते हैं। चलिए ओवरऑल तो आपने बता दिया शनि से जुड़े उपाय। देखिए शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ के नीचे आपको जाके बैठ जाना है संध्याकालीन में। संध्याकालीन आजकल जैसे 6-6:30 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, उस समय शनिदेव के मंदिर भी जा सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं जी, वहाँ शनि चालीसा का पाठ करें तो विशेष लाभ मिलेगा। उसके बाद शनि मंदिर में जाइए और वहाँ शनिदेव को सरसों का तेल और 5 बादाम चढ़ाएं, जिससे कि आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाए। चलिए ओवरऑल देखा जाए तो आपने बताया कि इनके खर्चों पे शनि की दृष्टि रहेगी, खास इसके साथ रिश्तों को लेकर भी बताया और इनके काम कारोबार को भी लेकर बताया। और कुछ कोई ऐसी चीज़ जो शनि इस बार इनके लिए दे के जाएंगे जो इन 8 महीनों में? देखिए इन 8 महीनों में इनके सबसे ज़्यादा जो इनको प्रोग्रेस हो रही है वो आपके सुख साधनों में तरक्की होगी, काम कारोबार में विशेष रूप से वृद्धि देखी जाएगी। ज़मीन जायदाद अगर लेने की सोच रहे तो क्या ये समय टाइमिंग है? चलिए तो ये आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि इस बार शनि का मार्गी होना वृषभ राशि वृषभ लगन वाले लोगों के लिए, यानी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, और जो कि देखिए शनिदेव 30 जून तक मार्गी रहेंगे, तो देखिए ये 8 महीने हैं और इन 8 महीनों में मार्गी शनि आपको क्या कुछ देंगे ये तो शनि मयंक जी ने बता दिया। इसके साथ साथ अगर आपको वास्तु से संबंधित या फिर अपने व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है मयंक जी से, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो आपको हमारा मार्गी शनि वृषभ राशि वृषभ लगन वाले लोगों के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ हम दोनों को भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।